अडवाणी जे कहो कि देश ना प्रधानमंत्री कमजोर छे तो बोले अमने खोटू लगे। हम आया न कह तब मजा जो है अमे विरोध पक्ष में हो देशना नागरिक होने एटू ना कही सकी कि भाई आ देश प्रधानमंत्री कमजोर छे बोलो अमने खोटू लगे। अने हवे शू करे छो तो प्रेस कॉन्फरन्स जोता हशो पहला करता जरा जोर जोर थी बोले मजबूती की गारंटी अंबुजा सीमेंट अरे प्रधानमंत्री जी आ प्राइमरी नॉलेज नो मुद्दो छे। अडवाणी जी जारे कमजोर प्रधानमंत्री के ये तमारी फिजिकल फिटनेस नो मुद्दो नथी बाबा तमारी ऊंचाई केटली वजन केटलू ब्लड ग्रुप केटलू डायबिटीज छे के नहीं कोलेस्ट्रोल छे के नहीं मसल केवा छे ये नथी पूछता अमे भाई। अरे कमजोर प्रधानमंत्री छो एनो अर्थ ए छे कि देश की सरकार मक्कम निर्णय करे। भाइयों मैंने आप मैंने कहो हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने अफजल गुरु ने फांसी की सजा आपी तमारी जो सरकार मजबूत हो है तेने फांसी लटकवा में तम तकलीफ हो पड़े भाई अफजल गुरु ने फांसी आपी जो नहीं एने लटकावी देव जो नहीं। प्रधानमंत्री जी तमारा दोरडू जो तो पानकोर नाका थी मोकली आपी पर मुद्दो ये थे भाई अमे दोरडू तो मोकलीए कलेजू क्या थी लाइए दोस्तों ये कलेजू जो आ देश में मित्रों हूं आप गुजरात में आतंकवाद विरोधी कायदो करेलो ये कायदो पास करवा माटे भारत सरकार पासे मोकल्यो विधानसभा में त्रण वार पास कर्यो गुजकोक नो कायदो त्रण वार मोकल्यो प्रधानमंत्री फाइल पर बेसी गया हूं एम मजो मरवाजो आई आई मोदी जी कैसे आना हम मानस बहुत सारा उम्र में बड़ी लिहाज करे पे हूँ धीरे गई कहू डॉक्टर हमारे गुजरात की गुजकोक की फाइल अभी तक क्लियर अच्छा क्लियर नहीं हुई अरे पिछली बार तो मैंने बोल दिया था मैंने 10 वक्त कहू बोल 10 वक्त हमें प्रधानमंत्री जी तमे फाइल क्लियर करवानो कहू ने न थई एनो के सरकार बीजू कोक चलावे छे तमे न चलावो एना माटे के मारे उदाहरण न लेवा जवाना होय नहीं तो प्रधानमंत्री तमारा में हिम्मत जोईती थी आपनी सरकार में हिम्मत जोईती थी डंकानी चोट पर कहू तो कि मोदी जे कायदो करो छे ए कायदो ने मंजूर नथी ये न कहता ए मैं ताकत नथी बोलो आ कमजोरी नो बीजो नमूनो भाईओ बहनो अमे जारे एमने कमजोर प्रधानमंत्री कहीए छे त्यारे अमारा मन में व्यक्ति नथी मनमोहन सिंह जी व्यक्ति तरीके नथी प्रधानमंत्री पदनी गरिमा प्रधानमंत्री ना कार्यालय नी प्रतिष्ठा देश नी सौथी शक्तिशाली ऑफिस જ્યાંથી દેશ ચાલે છે એની તાકાતની ચર્ચા કરીએ છીએ અને એના માટે મારી સામે ત્રણ સીધા સીધા કારણો છે। ભાઈઓ બહેનો દેશમાં પ્રધાનમંત્રી ઇલેક્ટેડ હોવો જોઈએ નોમિનેટેડ ના હોવો જોઈએ। તમે મને કોઈ ઇલેક્ટેડ હોય ये कोने वफादार हो जनता जनार्दन ने वफादार हो नॉमिनेटेड हो जेने बेसाड़ो एने जो भाई आमारो सीधो सीधो सवाल छे देश ने अरे तमे जो आवड़ी मोटी चूंटनी चाले छे ने मनमोहन सिंह जी चूंटनी नहीं करता चूंटनी नहीं करता बोलो बीजो मुद्दो छे भाई जो चूंटणी जीतीने भारतना सर्वोच्च स्थान पर बेसवो ए डेमोक्रेसीनी गरिमा छे।
અને કોક બેસાડે ત્યારે ડાયનેસ્ટી ની ગંધ આવે છે. અમારું બીજું કારણ છે. અને ત્રીજું કારણ છે, જ્યારે વ્યક્તિ લોકતંત્રની મદદથી આગળ આવ્યો હોય, લોકશાહીની પ્રક્રિયામાંથી આવ્યો હોય, જનતા જનાર્દનનો પ્રતિનિધિ બન્યો હોય, ત્યારે જનતા જનાર્દન એની પડખે ઉભી રહેતી હોય છે, પીપલ સપોર્ટ હોય છે. પરંતુ કોકે બેસાડ્યો હોય ત્યારે માત્ર પરિવારનો સપોર્ટ હોય છે. મિત્રો, આ મારા ત્રણ કારણો છે જેનો જવાબ એમને આપવો પડે.